नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख डेविड बेस्ले के एक बयान से हड़कंप मच गया है। यह हड़कंप कहीं और नहीं केवल पाकिस्तान में मचा है, क्योंकि बेस्ले का इशारा ईरान और पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्कों की तरफ है। बेस्ले ने कहा है कि दुनिया में लॉकडाउन के चलते 82 करोड़ 10 लाख लोग भूखे सो रहे हैं और 13 करोड़ 50 लाख लोग भूखमरी के संकट या उससे भी बुरे स्तर से जूझ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि परमाणु संपन्न पड़ोसी मुल्क में यह तादाद 4 करोड़ 22 लाख के करीब है। यानी इमरान नोडे की वह आशंका सच हुई है जिसमें उन्होंने लोगों के भूखे मरने की बात कही थी। इसका मतलब यह है कि आज की घड़ी पाकिस्तान की 15% आबादी को भूखे सोना पड़ रहा है। पर इससे भी सनसनीखेज बात यह है कि 3 महीने बाद पाकिस्तान में हर दिन 400 लोग भूख से मारे जाएंगे। इस बुरी स्थिति में पाकिस्तान को अकाल का सामना करना पड़ सकता है। यानी आतंकी इस्लामी मुल्क ने अपनी कब्र खुद ही तैयार कर ली है। वैसे पाकिस्तान ने जब से लॉकडाउन लगाया है यहां भूख से मरने की कई खबरें आई है। कराची में एक ही दिन में 300 लोगों के हुरों की खोज में जाने की खबर भी चली थी, मगर पाकिस्तान ने उसे दमे के मरीज बताकर पर्दा डाल दिया था। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस के आंकड़ों में भी बड़ा हेरफेर किया है। कराची और लाहौर के बड़े कब्रिस्तानों में शवों को दफनाने की जगह तक नहीं बची है। इसके बाद इमरान सरकार को आपात स्थिति में 4 से ज्यादा कब्रिस्तान बनाने पड़े हैं। बताया जाता है यहां भी कब्रगाहें अटी पड़ी है। हालांकि पाकिस्तान अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इन्हें स्वाभाविक मौतें बता रहा है, पर हकीकत यही है कि ज्यादातर मरने वाले कोरोना वायरस संक्रमित हैं। 20% से ज्यादा मौतें भूख से हुई है। परमाणु संपन्न मुल्क के पंजाब और सिंध प्रांतों में इस वायरस ने भारी तबाही मचा रखी है। 28 अप्रैल की सुबह तक 14,057 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 301 हुरों की खोज में निकल भागे हैं। मगर यह आंकड़े वे हैं जिन्हें पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है। गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो पूरे पाकिस्तान में संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख से भी ऊपर जा चुकी है, जबकि मृतकों की तादाद 8,000 से ज्यादा बताई जाती है। दरअसल इन आंकड़ों को सत्यापित करने के लिए संस्था ने पाकिस्तान में अब तक हुए टेस्ट का औसत निकाला है। अभी तक पाकिस्तान में कुल 1,50,756 टेस्ट हुए हैं, जिसके बाद 14,057 केस सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 6,351 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें 700 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 1 माह के दौरान हजारों लोग ऐसे हैं जो क्वारंटीन होने के डर से अस्पताल पहुंचे ही नहीं। ऐसे मरीजों की मौत होने पर उन्हें चुपचाप दफना दिया गया है। इसलिए सरकार ऐसी मौतों को अपने आंकड़ों में शामिल नहीं कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि सिंध और पंजाब में ही लाखों संक्रमित केस हैं, मगर 6,000 टेस्टिंग प्रतिदिन के चलते ही पाकिस्तान में हालात उम्मीद से ज्यादा बेकाबू है। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरह चाइना ने अपने आंकड़े छुपाए थे, पाकिस्तान भी उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है, मगर कब्रिस्तानों में बनी नई कब्रें उसकी पोल पट्टी खोल रही है। पर पाकिस्तान की मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। अगर यह आतंकी इस्लामी मुल्क इस महामारी से बच भी गया तो अगले 5 साल तक भी इसके असर से उबर नहीं पाएगा। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था इसको और अधिक तबाही की तरफ ले जाएगी। अभी पाकिस्तान की 48% आबादी गरीबी में जी रही है। 32% लोगों के पास पक्की छत तक नहीं है, जबकि बेरोजगारी की बढ़ती दर और 22% पर पहुंची महंगाई इस आतंकी मुल्क को बर्बाद करने के लिए काफी है। मदरसे के मुल्लाओं द्वारा यहाँ जो कट्टरपंथ और धर्मांतरता फैलाई जा रही है, उससे देश में गहरे युद्ध की चिंगारी भड़क जाए तो आश्चर्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन हालातों में पाकिस्तान नाम का यह मुल्क आतंकियों का सबसे बड़ा गढ़ बन सकता है, जिसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत को जरूर माथापच्ची करनी पड़ेगी। आने वाले 4 महीने पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। यहाँ मौजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था में सेना ने अपना हस्तक्षेप बढ़ाना शुरू कर दिया है। संभवतः पाकिस्तान में एक बार फिर कोई नई पटकथा लिखी जा रही है। वैसे भी ये मुल्ला कौम हाथ में मक्खन लगाकर मछली पकड़ने वालों में से है, पर इस बार ना मछली है और ना ही इनके पास मक्खन है। इसलिए आपस में एक दूसरे की पीठ खुजाने के बहाने से पीठ में ही खंजर घोंपे जाएंगे। वैसे यह भी इनका स्वभाव ही है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।